हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग मैथ्स 70 एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। एंड टुडे इन दिस वीडियो आई विल टेल व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं डिस किरचॉफ्स लॉ के बाद, और इसमें हम इसके न्यूमेरिकल भी आते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज एक ये ब्रिज अरेंजमेंट है जिसको डिस्कवर किया था वी साइंटिस्ट था जिनका नाम था व्हीटस्टोन। ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था व्हीटस्टोन। मैं पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेन करूँगा, कोई इसमें डाउट नहीं बचेगा। 1843 में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम व्हीटस्टोन था। उन्होंने एक अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट शो किया था। तो आज हम उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे डिटेल, और उसका एक न्यूमेरिकल या दो न्यूमेरिकल करेंगे जिससे सारे डाउट क्लियर हो जाए और हमें पता चल जाए कि व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बात बताना चाहते हैं, कितने दिन से वीडियो नहीं आया था, और एक आपको डाउट क्लियर करना चाहते हैं कि वैसे तो इस वीडियो यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज के बाद अभी कई टॉपिक बचे हुए हैं, लेकिन चलो खैर वो चलो वीडियो के लास्ट में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आज पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के न्यूमेरिकल, और उससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यानी कि उसका बेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने क्या किया था 1843 का, वो साल था 1843 जब ब्रिटिश साइंटिस्ट जिनका नाम था व्हीटस्टोन, क्या नाम था उनका, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, नाम था व्हीटस्टोन। कुछ ज़्यादा टफ नहीं है याद करना, हालांकि ये पूछा शायद ये पूछा नहीं जाएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बताएंगे आपको पूरी बात। सुनो, ब्रिटिश साइंटिस्ट जिनका नाम व्हीटस्टोन था, इन्होंने एक रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट किया, कोई नई चीज़ नहीं है। इन्होंने एक रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट किया, मतलब रेजिस्टेंस तो आपको पता है, इन्होंने रेजिस्टेंस का एक ऐसा अरेंजमेंट किया कि वो पैरलोग्राम में अरेंजमेंट किया। अरे मतलब पैरलोग्राम वही था, ठीक है, ऐसे ठीक, अरे ऐसे ठीक है, इन्होंने पैरलोग्राम में ही अरेंजमेंट किया रेजिस्टेंस का। सो क्या थी पूरी कहानी, पर इन्होंने इस तरह अरेंजमेंट नहीं किया, इन्होंने इसको ऐसे घुमा के और ऐसे अरेंजमेंट कर दिया। और फिर इसके बाद इन्होंने गैल्वेनोमीटर लगाया, और गैल्वेनोमीटर कहाँ लगाया ये भी बताएंगे आपको कि गैल्वेनोमीटर कहाँ लगाया, और इन्होंने इसे ऑब्जर्व क्या किया, और इनका कहना क्या था यानी कि इन्होंने ऐसा क्यों करा, चलिए उसको पहले डिस्कस करते हैं। तो इन्होंने जो अरेंजमेंट जिस हिसाब से किया उसका मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, देखिए बस वही चीज़ है, इसीलिए मैंने आपको पहले पैरेललोग्राम बना के दिखा दिया, बस घुमा के ऐसे कर दिया गया है, ठीक। एक सेकेंड, मैं थोड़ा बना ही लेता हूँ। हाँ सुनिए, मैंने बना लिया, ठीक। देखो इसको चलो नाम भी दे देते हैं, ए बी सी डी। सो इन्होंने कुछ इस तरह से अरेंजमेंट किया, ठीक, उसी पैरेललोग्राम को घुमा के, और गैल्वेनोमीटर इन्होंने डायगोनल में लगा दिया इसके, और यहाँ पर एक की है, की को मैंने K2 की, ये K2 की है, ये K1 की है, और ये हमारी बैटरी, ठीक है, यहाँ पे सेल भी हो सकता है, यहाँ बैटरी से करंट निकला आई और आई लौट के आया। पर इन्होंने ऐसा क्यों किया, सो इसकी हेल्प से हम किसी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं, यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से हम किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। तो इस वजह से इन्होंने ये अरेंजमेंट ऐसा किया। अब आगे की इन्होंने क्या पूरा ऑब्जर्व किया और क्या इनकी कहानी थी, चलो उसको भी बताते हैं, ठीक है। सो ये PQRS रेजिस्टेंस है, इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये कोई पॉइंट है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसको मैंने PQRS से शो किया है, यहाँ पे ABCD या कुछ भी हो सकता है, ठीक। PQRS रेजिस्टेंस है, इन्होंने रेजिस्टेंस PQRS ऐसे अरेंजमेंट किया, और ये K2 है। अब क्या किया इन्होंने, सुनो, और यहाँ पर इस एक गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर हालांकि आपको पता होगा पर मैं बता दूंगा, जो करंट मेजर करता है, करंट को मेजर करता है, आई बात समझ में, जो करंट को मेजर करता है वो हमारा कौन सा होता है, गैल्वेनोमीटर।
वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, अमीटर भी करंट को मेजर करता है, पर गैल्वेनोमीटर करता है, ठीक है। और यहाँ पे एक सोर्स ऑफ ईएमएफ कनेक्ट है, तो मैं बता ही आपको चुका हूँ, ठीक। सो इन्होंने क्या देखा, गैल्वेनोमीटर किस लिए कनेक्ट है, गैल्वेनोमीटर इसलिए करंट है, करंट को मेजर करता है, और इसलिए यहाँ पर कनेक्ट है कि इस ब्रांच में यानी कि सीडी ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब क्या किया, चलो कहानी शुरुआत करते हैं। की वन के वन की को हमने क्लोज कर दिया, जब के वन की को क्लोज कर दिया तो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो मान लो करंट आई निकला, ठीक है। और इस अरेंजमेंट यानी कि पी क्यू आर रेजिस्टेंस को इस तरह अरेंज किया गया कि गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन शो करे। आपको पता होगा नो डिफ्लेक्शन का मतलब, नो डिफ्लेक्शन यानी कि गैल्वेनोमीटर सी डी ब्रांच में लगा है और ये नो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, नो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है यानी कि इस ब्रांच में करंट बह ही नहीं रहा है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज यही इनका प्रिंसिपल है, यही इनका सब कुछ है कि इस ब्रांच में जब गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है और करंट नहीं शो कर रहा, इसका मतलब इन्होंने ये कहा था कि ये इसकी सबसे सही पोजीशन है, यानी कह सकते हैं हम इसकी ये बैलेंस्ड कंडीशन है। सुनो फिर से बता रहे हैं, इसको मैं डाल देते हैं, इसका कोई काम नहीं। देखो गैल्वेनोमीटर जब नो डिफ्लेक्शन शो करेगा यानी कि उसमें कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं होगा, जब नो डिफ्लेक्शन का यहाँ पर मतलब क्या हुआ कि उस ब्रांच में करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है, तो वो उसकी बैलेंस कंडीशन होगी। लिख दे रहे हैं यहाँ पर, व्हेन गैल्वेनोमीटर शोस नो डिफ्लेक्शन means that no current flows, कहाँ नहीं फ्लो होगी, सी डी ब्रांच में, क्योंकि गैल्वेनोमीटर सी डी ब्रांच में लगा है, इन सी डी ब्रांच मीन्स नो करंट फ्लोज इन सी डी ब्रांच मीन्स मीन्स हम कह सकते हैं ब्रिज इज सेट टू बी बैलेंस, ये मैं अपनी लैंग्वेज बता रहा हूँ, ब्रिज इज सेट टू बी बैलेंस्ड। सुनो जिस ब्रांच में जब गैल्वेनोमीटर नो रजिस्ट मतलब कह सकते हैं कि नो करंट फ्लो करेगी यानी कि इसमें करंट नहीं फ्लो करेगी यानी कि नो डिफ्लेक्शन शो करेगा, तो यानी कि इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, और इस कंडीशन को हम कह सकते हैं बैलेंस्ड कंडीशन, यही मेन है, यही मेन है, ये बैलेंस कंडीशन है। और जब बैलेंस कंडीशन होगी तो हम क्या कर सकते हैं, अनोन मैंने आपको इससे पहले क्या बताया था, इस कहानी के पहले इससे पहले ये बताया था कि हम ब्रिज स्टोन ब्रिज से अनोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं, यानी कि जो रेजिस्टेंस हमें नहीं पता है, यानी कि पी भी हो सकता है, वो क्यों भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, एस भी हो सकता है। फिर मैंने क्या बताया कि गैल्वेनोमीटर अगर नो डिफ्लेक्शन शो करेगा मीन उस ब्रांच में करंट नहीं फ्लो कर रही है, और जब करंट नहीं फ्लो कर रही है तो वो बैलेंस्ड कंडीशन कही जाएगी, या फिर हम कह सकते हैं उस वो ये ब्रिज ही तो है, ये ब्रिज बैलेंस्ड है। अब इसका प्रूफ भी कराएंगे, तो यानी कि अब तो इसमें क्या होता है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस सेम होता है, यानी कि पी बाई आर इक्वल टू क्यू बाई एस। अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना था तो हम यहीं से अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, आप यहाँ पर ये भी हो सकता है P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस, कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बात वही लिखी है, तो ये मेन बात है। अब इसको प्रूव करेंगे कैसे हुआ, ठीक है। चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मैं डालता हूँ, ठीक। चलो नोट कर लो। चलो प्रूव कराने से पहले एक बात और बताना चाहते हैं, बिल्कुल अच्छे से कि इसकी थ्योरी क्या लिखोगे, थ्योरी तो मैं पूरा लिखूंगा नहीं, कुछ पॉइंट भले लिख दूँ, वरना मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नोट करना चाहो नोट कर लो, कोई ज़रूरत नहीं, बुक में भी मिल जाता है, बस समझो समझना, ठीक है। की केवन को क्लोज करेंगे, अगर हम की केवन को क्यों क्लोज करेंगे, ओपन क्यों नहीं कर सकते, तो आपको कॉमन सेंस है, पता ही होगा, अगर हम की केवन को ओपन रखेंगे तो करंट ही नहीं फ्लो होगा यार, देखो आई निकला और कहाँ जाएगा, समझ रहे हो, पूरा ब्रिज ब्रोक हो जाएगा, पूरा ब्रिज ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पर कह सकते हैं करंट ही नहीं फ्लो करेगा, तो केवन को क्लोज करना पड़ेगा। व्हेन की केवन इज क्लोज्ड द करेंट फ्लोस, चलो लिखा ही देते हैं द करेंट फ्लोस। अब करंट
फ्लोज, और करंट यहाँ पर कह देते हैं फ्लोज आई, करंट आई। अब यहाँ पर देखो नो डिफ्लेक्शन की बात हो रही है, यानी कि, और गैल्वेनोमीटर को आपने इससे पहले पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो बता रहे हैं, गैल्वेनोमीटर में जो करंट, हम इसको आई जी कह सकते हैं, गैल्वेनोमीटर में जो इधर ब्रांच में करंट होगा आई जी जीरो है, ठीक है। तो यहाँ आई वन और आई टू में बट गया, ठीक। अगर गैल्वेनोमीटर हमारा डिफ्लेक्शन होता उसमें, यानी कि इस ब्रांच में करंट फ्लो करती, जब करंट ही नहीं फ्लो कर रही तो हम इधर इसको डिवाइड ही नहीं करेंगे आई वन को, सो हम सिंपल यहाँ से हमारा आई वन निकल जाएगा, इस ब्रांच में करंट नहीं फ्लो कर रही है, फिर से बता रहे हैं गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन हो कर रहा है इसलिए इस ब्रांच में करंट नहीं फ्लो कर रही है, जब कार ब्रांच में करंट नहीं फ्लो कर रही है तो वी सी और वी डी वो बताते हैं। चलो पहले तो करंट फ्लोज एंड डिवाइडेड इंटू आई वन एंड आई टू, आई वन एंड आई टू, आई बात समझ में। फिर यहाँ से आई वन आई टू निकल गया, अभी इसमें बता दिया इस ब्रांच में करंट ही नहीं फ्लो करेगी, सो आई वन आई टू डिवाइड हो गया, यहाँ से निकल आया, और तो इसको नहीं लिखेंगे कि आई में मिक्स हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, क्या लिख सकते हैं, और लिख दो यहाँ पर इसकी कहानी लिख दो, द की के टू इज़ ओपन, एंड इसकी बात लिख रहे हैं सी डी ब्रांच की, एंड नो करंट फ्लोज, पूरा लिखवा रहे हैं आपको, नो करंट फ्लोज इन ब्रांच सी डी, बिकॉज क्यों ऐसा है, बिकॉज गैल्वेनोमीटर सोर्स नो डिफ्लेक्शन। ठीक, जब आपको पूरा बता होगा तो ये सब लिखने की कोई मतलब ज़रूरत ही नहीं, आपको पता ही होगा गैल्वेनोमीटर मीटर शोज नो डिफ्लेक्शन और मीन्स आई जी इक्वल टू ज़ीरो। आई जी क्या है, गैल्वेनोमीटर, यानी कि आई जी मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ पर गैल्वेनोमीटर वाली करंट है, ठीक, कि के टू ओपन है, गैल्वेनोमीटर नो सर्कुलेशन, यानी कि अगर करंट ही जीरो है सो यानी कि हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल भी बराबर ही होगा, यानी कि वी सी इक्वल टू वी डी, ऐसा होगा, होगा कि नहीं होगा तो पता ही होगा यार। अब कुछ नहीं लिखना है, अब हम क्या करेंगे, जो अभी हमने पी क्यू वाला वो हमने शो किया था रेशियो, वो कैसे आया, ठीक है, हमें तो क्रिचॉफ वोल्टेज ला पता है, क्रिचॉफ करंट ला पता है, पर वो कैसे हमने लिख दिया एकदम से, वो भी ऑब्जर्व किया गया था, ऐसे नहीं लिखा गया था, अभी उसको अभी प्रूव कराते। तो चलो नोट करना हो तो नोट कर लो, ना इसको मिटालते हैं। चलो बताते हैं, देखो हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ जानते हैं, तो पहले हम ई वाला लूप लेते हैं, यानी कि इन लूप ए सी डी ए, ए सी डी ए लूप दिख रहा है, पता होगा किरचॉफ वोल्टेज लॉ ए सी डी ए, लगाते हैं ऐसे लगा सो करते हैं, ठीक। सो अलॉन्ग द करंट और पथ भी, ये पथ है ये सब बता चुके हैं, अलॉन्ग द करंट और पथ भी सेम, सो माइनस और रेजिस्टेंस पी है, याद रखना रेजिस्टेंस है यहाँ पर पी क्यू आर एस, ठीक, पी आई वन हो जाएगा। फिर उस अपोजिट हो गया, देखो पथ ऐसे करंट ऐसे, तो पॉजिटिव मैंने बताया था आपको, जब उसका वो बताया था क्या उसको कहते हैं कॉन्सेप्ट, आर आई टू इक्वल टू जीरो, और बाकी इधर से तो मतलब ही नहीं ब्रांच से, तो यहाँ से हम कह सकते हैं आर आई टू इक्वल टू पी आई वन, इसको बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरा लूप लेते हैं, इन लूप ये वाला सी बी डी सी, सी बी डी सी, ठीक, पथ भी देखो इसमें ऐसे बनाते हैं पथ, बहुत गंदा हो गया है, चलो कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे बनाया, ठीक। तो अलॉन्ग द पथ भी सेम, करंट भी सेम, तो माइनस क्यू आई वन, और पथ की डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन अपोजिट, देखो श्यू ज्यू, सो प्लस, और क्या है एस आई टू दिख रहा है भाई, देखो एक सेकेंड, ठीक, देखो पथ की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है तो माइनस बताया था, और पथ की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन अपोजिट प्लस, ठीक चलो समझ गए, एस आई टू इक्वल टू क्यू आई वन। अब क्या कर दो, कुछ नहीं डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग वन बाई टू, सो
हो जाएगा आर आई टू बाई एस आई टू इक्वल टू पी आई वन बाई क्यू आई वन, तो आई वन आई टू मर गया, तो हो जाएगा पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। फाइव नहीं लिखा है, एस लिखा है, या कह सकते हैं पी बाई आर इक्वल टू क्यू बाई एस। आप सोचो कि इसका यूज कैसे होगा, कैसे न्यूमेरिकल होंगे, क्या यूज होगा, तो चलो उसको भी बताते हैं, बैलेंस कंडीशन ही बताएंगे, ठीक है। ठीक, चलो उसको भी बताते हैं आपको एक न्यूमेरिकल करके। तो सब नोट कर लिया, प्रूफ भी बता दिया आपको, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया क्या प्रोसेस हुई, क्या हुई, थ्योरी भी लिखा थी, और हमने पूरा बेस भी बताया कि किस साइंटिस्ट थे, किस ईयर में उन्होंने क्यों किया था, क्यों किया था, किस वजह से किया था, सब कुछ बता दिया। और सुनो, जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतना ज़्यादा ही बैलेंस्ड होगा ब्रिज। चलो अब खैर क्वेश्चन करते हैं, ठीक, नोट कर लीजिए। देखो पहला क्वेश्चन से ही आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो पहला क्वेश्चन ये है, ये अरेंजमेंट दिया हुआ व्हीटस्टोन ब्रिज दिया हुआ। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें आपको व्हीटस्टोन ब्रिज दिया होगा पर इस तरह नहीं दिया होगा, मतलब डायरेक्ट नहीं दिया होगा, तो उसको आपको समझना होगा। देखो बैलेंस कंडीशन बता दी, रेशियो और रेजिस्टेंस सेम होता है। इसमें से क्या पूछ रहा है, दो चीज़ पूछ रहा है, एक तुमसे पूरा रेजिस्टेंस एक्स यानी ये वाला रेजिस्टेंस फाइंड करना है, दूसरा हमसे पूछ रहा है इस ओम में 6 ओम में कितना करंट फ्लो करेगा। तो पहले हम रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस जानते हैं, तो पहले देखते हैं बैलेंस है कि नहीं। तो पहले बैलेंस वाली लगाते हैं, 6/12 इक्वल टू एक्स यानी इसको फाइंड करना है बाई 4, तो 6 2 जा 2 2 जा, तो एक्स इक्वल टू 2 ओम। अब हमने बैलेंस कंडीशन से इसको फाइंड तो कर लिया इस 2 ओम को, पर क्या ये एक्चुअल में बैलेंस है कि नहीं, ये बड़ा सोचने वाली बात है। अगर ये बैलेंस है तो यानी कि 10 ओम का रेजिस्टेंस हम अगर मिटाल भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बैलेंस है तो ध्यान सुनो, अगर ब्रिज बैलेंस है तो यानी कि इस 10 ओम रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं फ्लो करेगी। आपसे क्वेश्चन, मैंने तो क्वेश्चन वो छोटा लिया है, अगर क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, उसमें पूछ सकता है 10 ओम में करंट बताओ या पूरे सर्किट में टोटल करंट बताओ, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये ब्रिज बैलेंस है तो नहीं होगा। तो मैं ब्रिज बैलेंस बैलेंस देखता हूँ कि देखो 6/12 लिया था, अब हमें ये भी पता एक्स भी पता, तो 2/4 तो 2 1/2 यानी कि 2, यानी कि हमको यहाँ से 1/2 इक्वल टू 1/2 यानी कि ब्रिज बैलेंस है, क्योंकि रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस सेम है दोनों तरफ। तो चलो ये क्लियर हो गया, यानी कि करंट नहीं फ्लो करेगी 10 ओम में। अब हम करंट इसमें फाइंड कर सकते हैं 6 ओम में, यहाँ से करंट आई निकली, इधर आई वन गई, इधर आई टू गई, आई वन इधर आई, आई टू इधर आई। अब एक्स की मिटाल के 2 लिख लेते हैं। सो इसको मिटाल दो तो कोई मतलब नहीं इसका, इसको मैं डाल दिया क्योंकि यहाँ पर करंट ही नहीं फ्लो करेगी क्योंकि बैलेंस है ब्रिज, ठीक, आई वन है ये, सॉरी आई टू है। चलो लगा देते हैं, तो ये दो सीरीज में हो गए, तो 6 हमें आई वन ही पता करनी है। चलो कोई बात नहीं, चलो ऊपर हो जाएगा। सिक्स प्लस 2 8 हो जाएगा, 8 ओम हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 6 ओम + 2 ओम 8 ओम। इधर हो जाएगा आर डैश, मानो इसको आर डबल डैश हो जाएगा हमारा 12 ओम + 4 ओम = 16 ओम। ये दोनों हो जाएंगे पैरेलल में, तो 1/1 आर इक्विवेलेंट, अरे आर इक्विवेलेंट ऐसे लिखा होगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 × R2 यानी कि 16 × 8/24, ऐड कर दिया 16 + 8, ठीक 8 3 जा, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 16/3 ओम। अब टोटल करंट फाइंड कर सकते हैं, तो V इक्वल टू IR, V कितना है 10, I कितना है पता नहीं, R कितना है 16/3, 2 8 जा 2 5 जा, 3 5 जा 15/8 यानी कि आई हमारा 15/8 एम्पियर आया, आई हमारा 15/8 एम्पियर आया। अब अपन क्रिचॉफ्स लॉ से 6 ओम में रेजिस्टेंस फाइंड कर, सॉरी 6 ओम में करंट फाइंड कर सकते हैं। देखो ठीक लगा सकते हो ऐसे भी, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ यहाँ का पोटेंशियल सेम रहेगा 10 इधर 0 इधर, ठीक कोई उसमें परेशानी नहीं होगी, इसमें इसमें करंट ही सेम रहेगा, I1 रहेगा, तो अब आराम से करंट निकाल। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन खैर करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन कह सकते हैं, और इससे टफ कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चन में आपको ये चेक करना होगा कि ब्रिज बैलेंस है कि नहीं है, फिर उसके बाद आगे बढ़ना होगा।
चलो इसमें देखते हैं रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। तो 2/3 इक्वल टू 3/2 बैलेंस नहीं है, मींस करंट इसमें फ्लो करेगी। तो कैसे निकालेंगे करंट सभी ब्रांचेस में? किरचॉफ्स लगाते हैं, ठीक। चलो पहले लूप ले, पहले करंट डिवाइड करते हैं। आई निकला, मान लो I1 इधर गया और इधर गया I-I1, और ये I1 इधर टूट गया I2 में और इधर चला जाएगा I1-I2। डिवाइड करना जानते हो करंट ना, ये देखा करो कि जितनी गई उतनी आई हमारे पास की नहीं आई। तो समझ लो ये I2 इधर आई और ये I-I1 और I2 आपस में मिक्स हो गए, तो I ये हो जाएगा मिक्स होकर I हो गई। तो यानी कि हमारा ये सही है। अब लगाते हैं किरचॉफ्स ला। तो इस ऐसे डायरेक्शन मानेंगे हम हमेशा की तरह, कोई भी आप डायरेक्शन मान सकते हो, आप ऐसे मान सकते हो, आप ऐसे मान सकते हो, कुछ भी। तो मैं पूरा क्वेश्चन ये सॉल्व नहीं करूँगा, बस मैं इक्वेशंस बना दूँगी क्योंकि वही मेन होती हैं, क्योंकि वरना बहुत लंबा पड़ जाएगा ABDA। वरना मैंने आपको क्वेश्चन करवाए जब किरचॉफ वोल्टेज लॉ वाले क्वेश्चन मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने क्वेश्चन पूरे सॉल्व करवाए। देखा नहीं तो देख लो। देखो पथ और करंट डायरेक्शन सेम, अब जल्दी जल्दी बताएंगे। तो -2I1 ये, और पथ और इस वाली ब्रांच में करंट डायरेक्शन सेम, तो -5I2। पथ और उसकी डायरेक्शन अपोजिट, देखो ऐसे पथ और करंट ऐसे, तो प्लस कितना 3I-I1, सॉरी I1, हाँ इक्वल टू 0। कोई परेशानी नहीं ना। देखो ये 3, ये टू 5I1 -5I2, ये माइनस का 5 और प्लस 3I, साइन का जरूर ध्यान रखना। ये पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन बनेगी, दूसरा लूप लेंगे जब, इन लूप BC BC DB, करंट और उसकी डायरेक्शन सेम, तो 3I1 -3I2, पर सामने माइनस का साइन लगेगा, ये बात ध्यान रखना क्योंकि उसकी डायरेक्शन सेम है, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो प्लस 2I मल्टीप्लाई करेंगे 2I-2I1, ध्यान देना +2I2, और ये उसकी डायरेक्शन अपोजिट, तो +5I2=0। सो -3I1 +3I2 +2I-2I1 +7I2=0। 7, 8, 9, 10 I2 3 5 -5I2 5I1 और 3I, सॉरी कहाँ गए थे, और +2I=0। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब आप इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके कुछ वैल्यूज निकलेंगे, पर इस में तीन एक्सप्रेशन है, तो शायद शायद नहीं श्योर, जो इन दोनों इक्वेशन सॉल्व करके वैल्यू आएगी वो कुछ में आएगी, जैसे कि इस टाइप से आएगी। हालांकि मुझे पता नहीं है कि इतनी कितनी वैल्यू आएगी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लो 8/12 8/12 I, इस टाइप से कुछ आएगी वैल्यू। सो आप इसको फिर से पूरे लूप एक आपको लेना पड़ेगा, ये पूरा लूप लेना पड़ेगा, तब आपको एक वैल्यू, एक इक्वेशन बनेगी, तब उसमें जब रखोगे तब आ जाएगी। आई बस समझ, मतलब पूरा लूप का मतलब ABCDA पूरा लूप, समझ पाए? बना देते हैं चलो उसको भी, इन लूप ABCDA। देखो मैं पूरा लूप भी बता रहा हूँ आपको, 2I1 -2I1 पूरा लूप, और ये वाला इसको नहीं ले, इसको नेग्लेक्ट कर देना है, -3I2 सॉरी 3I1 -I2 3I1 -I2, ठीक। और ये -3 प्लस हो जाएगा, ठीक है। अरे यार मेरा मतलब है कि आपको पूरा लूप लेना पड़ेगा, जैसे कि ये वाला कहाँ था, ऐसे पूरा लूप लेना पड़ेगा। ये बता देते चलो, 2I1, अब उसके पथ के और करंट डायरेक्शन सेम, तो -2, टिक। और ये -3I1 -3I2, और ये इसकी डायरेक्शन सेम, तो +2I-2I1 +2I2, और ये उसकी डायरेक्शन अपोजिट, तो प्लस 3I-3I1। सो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी किसी के टर्म्स में, उसको आप इस इक्वेशन में सॉल्व करके एक परफेक्ट वैल्यू करंट की निकाल सकते हो, I I1 I2 सबकी।
सो आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो। तो चलिए एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहते हैं। ये बात ये है कि काफ़ी लोगों का कमेंट था कि काफ़ी लोग तो नहीं कह सकते पर कुछ ही लोगों का जो कमेंट था कि AMU EEE की प्रिपरेशन वाली बात। सो उसके लिए मैं संडे जो होगा यानी कि कल मैं एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ AMU EEE की। हालांकि अभी इसके बाद यानी कि वीट स्टोन के बाद मीटर ब्रिज बचा है, पोटेंशियो मीटर बचा है, तो उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। पहले हम AMU EEE का कल एक वीडियो लेकर आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वो वीडियो होगा और ऐसा वीडियो कहीं नहीं देखा होगा। और कभी अगर मिल जाए तो बताना, बहुत ही अच्छा वीडियो होगा और काफ़ी लोगों का सपोर्ट मिला, मतलब कई लोगों ने सब्सक्राइब करा इन कुछ दिनों में, चैनल को बहुत लोगों ने सब्सक्राइब किया, तो उसके लिए थैंक यू। और जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है वो भी कर लें। अभी मैं आपको चीज़ बताऊंगा तो वो देख, तब बहुत लोगों ने तभी भी सब्सक्राइब किया चैनल, और शेयर भी अपने फ्रेंड्स से कर देना ताकि और सपोर्ट आप करेंगे तो और मैं वीडियो लेकर आऊँगी। क्योंकि AMU EEE का वीडियो इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि उसमें ज़्यादा सपोर्ट नहीं था, ठीक है। तो अब वो कई काफ़ी लोगों ने सबको सब्सक्राइब कर दिया है और काफ़ी ज़्यादा कहा है, तो अब चलिए उसका वीडियो आएगा संडे को यानी कि कल, तो बी रेडी फॉर दैट वीडियो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, मिनिमम 5 फ्रेंड्स, ओके। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और मैंने आपको जितना हो सका था उस वीडियो में, इस वीडियो में वीट स्टोन के बारे में सब कुछ क्लियर कर दिया, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।